शिवपुरी से सैनिटरी पैड बनाने वाली कंपनी लगभग 1800 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर उनके करोड़ों रुपए लेकर कुछ दिन पहले भाग गई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने RTISTCWV9 कंपनी के मालिक चंद्रशेखर वर्मा पुत्र पन्नालाल वर्मा निवासी महोबा उत्तर प्रदेश के खिलाफ IPC की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इधर धोखाधड़ी का शिकार हुई महिलाओं में क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। आज महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले कंपनी के मालिक चंद्रशेखर वर्मा की ओर से एक महिला सहित एक पुरुष शिवपुरी पहुंचे थे, जिन्होंने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील होना बताया था, जिसकी भनक धोखाधड़ी का शिकार हुई महिलाओं को लग गई थी। गुस्साई महिलाओं ने लोगों की खींचतान कर दी। मामले की भनक लगते ही कोतवाली पुलिस ने दिल्ली से आए लोगों को महिलाओं के चुंगल से जैसे तैसे छुड़ाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। उनका काम है, उनको हायर किया है, उनके सीनियर ने भेजा इनको, इन्हें नहीं पता किसने क्या किया। एक मिनट चुप रही यार, ये वहाँ जाएंगे, समझ गए? उसमें आप ऐसे घेर के नहीं रोक सकते। ऐसे नहीं रोक सकते क्योंकि आप लोग शिवपुरी के हो, हम यहाँ के TI हैं। हमारा फर्ज है आप लोगों के सामने वस्तु स्थिति रख है, इसलिए इनको पकड़ के हम यहाँ ले आए। सब ये जो अभी एक 409, 406 की 420 की कायमी हुई है, ये वकील जहाँ उन लोगों का रेजिडेंस था उसके पास में थे, वहाँ जनता ने इनको रोक लिया, पूछताछ की तो इन्हें पता चला ये वकील हैं। उन जनता का कहना ही है उसकी अग्रिम जमानत करा लाएं, तो जनता ने इन्हें को घेर लिया। जनता ने फिर हम लोग वहाँ गए, उनका रेजिडेंस था आरोपियों का, जहाँ अभी कोई आजकल रह नहीं रहा है, वहाँ से हम पुलिस की सुरक्षा में इनको थाने लेके आए हैं। तो महिला और ये जो जिन लोगों के साथ ठगी हुई है सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, तो उन लोगों का थोड़ा भावनात्मक पहलू है कि हमारे पैसे इतने चले गए, इस तरह से जमानत करा लेंगे, अग्रिम जमानत मिल जाएगी तो हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो उन सबको हमने समझाइश दी है और इस मामले में पुलिस बहुत शीघ्र उन लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। हम उसके बहुत पास पहुँच गए, आरोपी यहाँ से फरार है, दूर है, लेकिन उम्मीद है कि पुलिस बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार कर लेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।